नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। उल्टी, इस शब्द को सुनते ही लोगों का मन खराब हो जाता है और आंखों के सामने गंदगी आने लगती है। लेकिन क्या ये सोच सकते हैं कि उल्टी की कीमत लाखों में हो सकती है? ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में ठाणे क्राइम ब्रांच ने व्हेल मछली की उल्टी की तस्करी के आरोप में कुछ तस्करों को पकड़ा है। व्हेल के अपशिष्टे के जम जाने पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए में हो जाती है। इस पत्थर का इस्तेमाल खास तौर पर बड़े ब्रांड वाले परफ्यूम को बनाने में किया जाता है, इसलिए काफी महंगी बिकती है। आपको बता दें, कोंकण तट पर व्हेल मछली की उल्टी से बने ये पत्थर ढूंढने में महीने से साल भर तक का इंतजार करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर समुद्र में व्हेल मछली देखी जा रही है। इसके बाद यहाँ तस्कर जागरूक हो गए। हाल ही में तस्करों के हाथ व्हेल की उल्टी से बना 11 किलो का पत्थर लगा, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 22 करोड़ रुपए है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि उल्टी का इतना बड़ा पत्थर कैसे बन गया, तो बता दें कि व्हेल मछली की अंतड़ियों में रहने वाला मोम जैसा तरल पदार्थ मछली के उल्टी करने पर बाहर निकलता है और पानी में तैरते हुए किनारे पर लग जाता है। वहीं सूरज की रोशनी और नमकीन पानी की वजह से कठोर हो जाता है। ये पदार्थ खुशबूदार होता है और इससे महंगे इत्र, स्प्रे, दवाओं, खुशबूदार तेल, ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। बता दें, वैज्ञानिक भाषा में इसे एम्बर ग्रीस कहते हैं। वेल, आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मछली की उल्टी से ये चीजें भी बन सकती हैं। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहिए इनसाइड न्यूज़।